garlic, cebollín, lazo, capsicum, simla mirch, onion, piyaj, tomato, tomato. That's it. So ये भी स्पेशल हमारी हमने उबाल बॉईल कर दिया, उबाल दिया है, बस अभी इसको चुटकी बजाएंगे ऐसे करके और बन जाएगी उसके अंदर. इसमें कुछ बन रहा है मक्के का, पता नहीं अभी क्या बोलते हैं, गर्म हो रही है, बाद में बताना क्या बोलते हैं इसको. तो तवा नहीं है, फ्राई पैन. तो पता तो था, फ्राई पैन बोलते हैं इसको, फ्राई पैन गर्म हो रहा है, फ्राई पैन. पानी पानी है अलग, तो पहले सारा पानी को हम पूरा एकदम सोख में देंगे इसको, उसके बाद ऑयल डालेंगे. पहले हमने इसके अंदर डाले थे अपना लहसुन गार्लिक, मैं वीडियो में भूल गया था, तो मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको. उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया, तो प्याज से थोड़ा लाल होने तक हम भुनेंगे इसको, और जब भी तक थोड़ा लाल लाल हो जाएगा, लाल मतलब समझ रहे ना, हाँ समझ गए वैसे, ठीक है. अच्छा मैं आप तुमको उसको दिखाना भूल गया, ये देखो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये प्याज के साथ कौन घुसा पड़ा अंदर, ये कैप्सिकम घुस गया, ये देखो अभी आप थोड़ा प्याज का कलर तो इसमें चेंज हुआ है, तो अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे, ओके थोड़ा सा नहीं थोड़ा डाल देंगे. क्वान्टिटी जो बढ़ती चार आदमी का खाना बन रहा है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं दो छोटे छोटे से प्याज और तीन टमाटर और दो कैप्सिकम और जो गार्लिक था यहाँ पर पहले, वो आप चार पीस दे दीजिए थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं. और यहाँ पर हमने टमाटर भी मिक्स कर दिया है, तो इसको थोड़ा भी अच्छे से मिक्स कर देंगे. उसके बाद इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, जी हाँ हम डालेंगे खट्टा नमक जो कि देश का नमक है, ठीक है देश का नमक खाया करो यार. ये रहा हमारा नमक, देश का खट्टा नमक, और ये रही लाल मिर्ची जो है बाबा रामदेव के यहाँ की मिर्ची है, बहुत टेस्टी है, आप खाएगी जी आप. तो अभी इसमें कैप्सिकम भी चले गया है जो सबसे पहले बैगनी शादी में घुस गया था, ये अभी इसकी शादी में आपका एंट्री का सही टाइम है. तो अभी इसमें हम डालेंगे नमक, और मैंने इससे पहले बताया था आपको ये मिर्ची बाबा रामदेव बोला था, ये बाबा रामदेव नहीं रामदेव की मिर्ची है. तो अभी नमक और हमारा रामदेव की जो मिर्ची थी मैंने डाल दी है, आप लोग बताना यार कौन सी मिर्ची आप लोग यूज़ करते हो, और तो मैं भी उसको नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करूँगा, ठीक है. और बाबा हाँ सॉरी बाबा नहीं रामदेव की जो मिर्ची है वो मैं करीब अभी दो तीन महीने से यूज कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं लगा इसमें, आपको मेरे बताना कुछ अच्छी ठीक है जो मेरे आजू बाजू उपलब्ध हो. मेरे आजू बाजू बोले तो गोधी पड़ता है, गोधी में देख लेना कोई मिली हो तो, गोधी वाला अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो बताना मुझे. और हाँ बाकी तो जनरली हम लोग इंदौर से मंगाते हैं, वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना, मतलब काफ़ी मतलब रीजनेबल रेट में मिल जाता है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है. कभी कभी प्रोडक्ट में कुछ खराबी रहती है बहुत ज़्यादा, हम पोहे लेके आए थे तो उसके पोहे में अगर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए थे, ऐसा कुछ रहा था, तो वही थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं उनके यहाँ पर, बाकी सामान अच्छा मिल जाता है. तो काफ़ी कुछ सामान लेते हैं तो यार देख के लिया कीजिए, एक्सपायरी चेक कीजिए, और यूज़ करने से पहले एक बार चेक कर लो कि सही में प्रोडक्ट कैसा है, ओके. तो अभी हमारी जो स्पेगेटी के लिए ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है, तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद.
A few moments later. और देखो इसमें यहाँ पर कॉर्न भी हम डाल सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्वाद चाहिए तो ले लीजिए, हेल्दी है। और देखो इसको छीलने का तरीका इस तरीके से चला जाता है इसको। और इसके बारे में अगर आपको एक कुछ डिटेल चाहिए ज़्यादा तो फिर एक इसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और हाँ अच्छा, इसमें हमने जो ये ऑयल यूज़ किया है ये कॉस्को का है, कौन सा ऑयल है, ऑलिव ऑयल, जो दो डब्बे आते हैं ना हेड एंड शोल्डर का, कितने का आते हैं वही वाला है, मस्त है, पावर मौज करो। और हाँ एक और अपडेट है, अभी कॉस्को जो है सुकुबा के पास का, तो वहाँ पर ये हो चुका है, तो अगर आप लोग कोई जा रहा है वहाँ पर और घर पे ऑलिव ऑयल नहीं है तो कहीं दूसरी जगह से ले लो यार, वरना आपको फिर खाना नहीं मिलेगा। और अगर आ गया है तो मुझे बता देना भाई, आ गया करके मैं भी लेके आ जाऊँगा यार, मेरा देख खत्म होने रहते हैं बचे। टाइम आ चुका है हमारा टोमेटो सॉस, टोमेटो की जो हमने बना रखा है प्यूरी और स्पेगेटी के मिलन का, टें टें टें, स्लो मोशन में आएगा ठीक है। से मैंने इसको रख दिया था तो चिपक गया है, बट लुक्स गुड, किसी को ज़्यादा रहे आसिका का विस्टेरिया पार्क का, देखो देखो ही इसी टाइप के ऊपर भी जो कोई गया रहेगा ना उसको पता चलेगा कौन कौन गया, बताओ भाई कमेंट करके बताना ठीक है, मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, तो सेम एक्सपीरियंस में भी आपको दे रहा हूँ यहाँ पर अभी। और इसके अंदर अभी हमने ये 250 ग्राम कॉर्न लिए हैं, वो आपकी मर्जी है भाई, डालना है तो डाल लो और नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन डालोगे तो कैसे कि स्वाद अच्छा आएगा आपको, कुछ खाओ यार मौज करो। और इसमें आप डाल सकते हैं क्या ये काली मिर्च ये जो मशीन है आपको 250 में मिल जाएगा, 100 का शायद ब्लैक पेपर है ये, 250 से ले लो इसको ठीक है, अच्छा है बहुत ही हैंडी यूज़ करने के लिए। और इसको कैसे करना है कि आपको घुमाना है और प्रेस करोगे तो नीचे आते जाएंगे, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास अगर पीसा वाला है तो आप यूज़ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप 100 पे खर्च कर लो अपने गैस में जाके, गैस में जाओगे तो कुछ और भी ले लोगे आप, क्योंकि आपको लगता है कि अरे इतना सस्ता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो पीसा वाला तो आपके पास यूज़ कर लो, नहीं है तो फिर घर में पीस लो दूसरी मशीन से यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर वहाँ से जाके ले लोगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा और कुछ नहीं बस ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आप अप्रोक्स सब बन चुका है एकदम, थोड़ा सा इसको पका लेंगे और ये रेडी अभी हमें खाने के लिए। ओके तो अभी हमारा स्पैगेटी रेडी हो चुका है, इसका कलर रेड नहीं है क्योंकि खाने में मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, बाकी रेड कलर पसंद है, तो फिर बोलना मत भाई कि रेड कलर क्यों नहीं है इसका, रेड कलर आपको पसंद है तो आप रेड वाला बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। तो ये अभी बन चुकी है और मैंने टेस्ट भी करी है, स्वाद आ गया है, आप लोग भी बनाओ, अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हमारा तैयार है अभी स्पैगेटी, मुझे रस वाला पसंद नहीं है तो ये सूखा है ठीक है, आप लोगों को रस वाला तो बनाओ, रस वाला खाओ मौज करो। अच्छा अभी इसमें कुछ चीज़ें ऑर्डर में बाकी हैं, दिखाता हूँ, तो स्पैगेटी बन चुका है अभी हम खाएंगे। तो बस आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो बताना आप कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए जो आपको पसंद है, हम वही बनाएंगे ठीक है। ओके चलो मिलते हैं, टेक केयर, आराम करो, खाओ पियो मौज करो, बाय बाय। और एक चीज़ भूल गया, आज फादर्स डे है तो मैंने फादर्स डे पर ये बना रखा है ठीक है, खाओ पियो, अपने आपको गिफ्ट दिए मैंने और कुछ देता नहीं, क्या करा जाए, करना पड़ता है। ओके अच्छा वो दो चीज़ें क्या थी ना, वो ये रही टाबास्को टेंटेड एंड चिली वाला, और ये कैसे ये ग्रीन चिली वाला है, खाओ उसके साथ और मौज करो।